हेटर्स की बैंड बज चुकी है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्य बम के ट्रेलर को लेकर जिस तरह से प्लानिंग की गई थी कि भाई इस ट्रेलर को वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बना देंगे, सड़क टू के ट्रेलर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, सभी प्लानिंग मटिया पलीद हो गई, यानी कि फेल हो गई। आखिर क्यों, मैं बताता हूँ क्या सीन है। 12:30 बजे ट्रेलर आया, उसके बाद से मैं खुद लाइक करने जब गया तो देखा कि लाइक और डिसलाइक बटन चल नहीं रहा है, यानी कि मेकर्स ने जानबूझकर इंटेंशनली इस ट्रेलर के लाइक डिसलाइक बटन को डिसेबल करके रखा है, ताकि ना कोई व्यूज दिखाई दे, ना आई मीन स्पेशल व्यूज तो दिख रहे हैं, ना कोई नंबर दिखाई देगी कि कितना लाइक है कितना डिसलाइक है, और ना नौटंकी होगी, क्योंकि कल केआरके ने आग उगलते हुए बोला था कि वो किसी भी हाल में इस ट्रेलर को डिसलाइक मारेगा, और लोगों को भी बार बार कहा था कि इस ट्रेलर को जो जो देखे इसको फटाफट डिसलाइक मारना। इसलिए मेकर्स को पता था कि डिज्नी हॉटस्टार वालों को साफ साफ पता था कि उनकी पिछली फिल्म सड़क टू के साथ क्या हुआ था, वो इंडिया का मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बना है, इसलिए मेकर्स दोबारा इस ट्रेलर को मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाइक डिसलाइक का बटन का उसको ऑफ ही करके रखा, यानी कि झक मराओ हेटर्स, भाड़ में जाओ हेटर्स, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप अक्षय कुमार का, क्योंकि अब ये फिल्म आएगी दिवाली पे और बैंड बजाएगी, यानी कि बम तो फटने वाला दिवाली में, लेकिन हेटर्स का जो बम है वो आज ही फाड़ दिया अक्षय कुमार ने और टीम ने। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और ये ट्रेलर धमाल है, लेकिन हाँ जो साउथ फिल्म देख चुके हैं लोग उनका ये कहना है, अगर आपको ये फिल्म एंजॉय करना है तो डोंट वॉच साउथ फिल्म ट्रेलर और मूवीज, ये साफ साफ कहना है, अदरवाइज आपको ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आएगी। अब देखते हैं क्या लोग करेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू वॉच दिस फिल्म। अगर देखूंगा अभी तो कंचना 2 जिसका ये ऑफिशियल रीमेक है वो एक दिन पहले देखूंगा लक्ष्मी फिल्म के, अदरवाइज आई वॉन्ट वॉच बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई मूड टू वॉच दिस फिल्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए फिलहाल इतना ही।